अमूर प्रखंड मुख्यालय डीलर संघ अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 4 प्रत्याशी दावेदार होने के कारण मतदान कराया गया, जिसमें ज्यादा मत मोहम्मद नवाजिश उर्फ मिस्टर के पक्ष में होने के कारण प्रखंड संघ अध्यक्ष जन वितरण प्रणाली अध्यक्ष पद पर विजय घोषित किए गए। 4 प्रत्याशी दावेदार में रकीब के पक्ष में 39 मत मिले, वहीं नवजीश उर्फ मिस्टर के पक्ष में 46 मत मिले। इस आधार पर 7 मत मिस्टर उर्फ नवाजिश को विजय घोषित करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर मोहम्मद इमामुद्दीन और कोषाध्यक्ष मोहम्मद शाहजहां को, सचिव पद पर अबरारुल हक को सर्वसम्मति से चयनित किया गया। अध्यक्ष पद पर नवाजिश उप मिस्टर चुने जाने के उपरांत उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को धन्यवाद दिया। किसका इलेक्शन हुआ आज? प्रखंड अध्यक्ष, सचिव उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। आप कितने सालों तक अध्यक्ष रहे? हम 11 साल से रहे। 11 साल से। अभी पब्लिक ने किसको चुना? नवाजिश उप मिस्टर। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि परिवर्तन का होड़ था, इसी में लोग ने बदला है अच्छाई की उम्मीद से। आप एक अनुभवी हैं, 11 साल तक रहे, कोई टिप्स क्या देना चाहेंगे? टिप्स ये देंगे कि डीलर की बात को सुनना, उनको संयम से इम्प्लीमेंट करके लोगों के बीच बहाल करना और डीलर को अपने आप में एक भाई समझ के निभाना और किसी को उल्टा पुल्टा नहीं करना है। मिस्टर, अच्छा आज आप विजयी हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अमर प्रखंड के जितने सम्मानित जितने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे अपना कीमती वोट देकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। युवा के रूप में आपको लोगों ने चुना है ताकि कुछ बदलाव आए, क्या क्या काम करेंगे? पहला काम क्या होगा आपका? मेरा पहला काम होगा कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता को जो गोदाम से संबंधित समस्याएँ हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, उसके बाद बोड़ाबादी, उसके बाद सही वक्त पर अनाज का नहीं पहुंचना, अनाज की गुणवत्ता में कमी, ये सारी चीज़ें मेरी मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इनको सुधारा जाए। क्योंकि जन वितरण प्रणाली विक्रेता काफ़ी शोषण से बजे हुए रहते हैं, इनको दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किन किन को चुना गया पद में, कौन सा पद? यहाँ पर अभी 5 पद का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद नवाजी आलम, उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद इमामुद्दीन साहब, उसके बाद सचिव पद के लिए अबरारुल हक और उप सचिव पद के लिए ज्योतिष हरिजन, कोषाध्यक्ष के लिए मोहम्मद शाहजहां।